गाइस वेलकम टू माय चैनल। गाइस यार आज हम डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं इनफिनिक्स नोट 35G और रेडमी नोट 13 5G का, दोनों के बारे में जो है वो डिटेल में बात करेंगे। तो यार चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्ड और डिजाइन से। तो इनफिनिक्स नोट 35G यहां पर दो मॉडल के साथ आता है, वीगन लेदर और प्लास्टिक वाला 204 ग्राम वेट के साथ ये देखने को मिलता है। तीन कलर ऑप्शन गोल्ड ब्लू ब्लैक देखने को मिलता है, फ्रेम भी यहां पर प्लास्टिक का है। रेडमी नोट 13 5G की बात करें प्लास्टिक बैग के साथ आता है, फ्रेम भी प्लास्टिक का ही है। 187 ग्राम का यहां पर लाइट वेट मॉडल देखने को मिलता है। साथ साथ यहां पर आपको चार कलर ऑप्शन ब्लैक ब्लू व्हाइट और ग्रे देखने को मिल जाते हैं। वही बात करते हैं डिस्प्ले की। इन्फिनिक्स नोट 35G में आपको 6.78 इंच का फुल HD प्लस वाला ये 8 बिट वाला IPS LCD पैनल मिलता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, 580 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। TUV का यहां पर सर्टिफिकेशन भी है। 2460x1080p का रेजोल्यूशन है। वही बात करते हैं रेडमी नोट 13 5G की। 6.67 इंच का यहां पर फुल HD प्लस वाला ये 10 बिट AMOLED पैनल देखो मिलता है। 120 हर्ट्ज का यहां पर रिफ्रेश रेट है, 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है, 1920 हर्ट्ज की यहां पर PWM डिमिंग भी है, 1000 निट्स की यहां पर पीक ब्राइटनेस है। SGS यहां पर लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन भी मिलती है और डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है और 2400x1080p का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। वही परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इन्फिनिक्स नोट 35G में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। 6 नंबर ये बेस्ड है, 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड के साथ आता है। मालिका G57 MC2 वाला GPU मिलता है। वही रेडमी नोट 13 5G की बात करें, ये भी सेम डायमेंसिटी 6080 प्रोसेसर के साथ आता है। ये भी 6 नंबर बेस्ड है, 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड के साथ आता है। मालिका G57 MC2 GPU मिलता है। वही रैम स्टोरेज की बात करें, इन्फिनिक्स नोट 35G दो मॉडल के साथ आता है, 4GB रैम 128GB स्टोरेज, 8GB रैम 256GB स्टोरेज, LPDDR4X की रैम, UFS 2.2 की स्टोरेज और ट्रिपल कार्ड स्लॉट है। तो दो सिम भी और एक SD कार्ड भी लगा पाओगे। वही रेडमी नोट 13 5G की बात करें, ये भी दो मॉडल के साथ आएगा इंडिया में, 6GB 128GB, 8GB 256GB, LPDDR4X की रैम, UFS 2.2 की स्टोरेज और यहां कोई भी SD कार्ड का स्लॉट नहीं मिलेगा। वही कैमरे की बात करते हैं, इन्फिनिक्स नोट 35G में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 108MP का प्राइमरी सेंसर है, 2MP का यहां पर जो आपको डेप्थ सेंसर और एक AI लेंस है। 16MP का फ्रंट है, रियर और फ्रंट से आप 2K 30fps वीडियो निकाल पाओगे। वही रेडमी नोट 13 5G की बात करें, इसमें रियर में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। 100MP का मेन सेंसर है, 2MP का डेप्थ है, 16MP का फ्रंट कैमरा है। फ्रंट और रियर से 1080p 30fps मैक्स यहां पर शूट कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से यहां पर कम से कम 60fps का ऑप्शन होना चाहिए था। वही बैटरी की बात करें, इन्फिनिक्स नोट 35G में 5000mAh की बैटरी, 45W का चार्जर बॉक्स में मिलता है और यहां पर बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। वही रेडमी नोट 13 5G की बात करें, 5000mAh की बैटरी यहां है, 33W का ही चार्जर बॉक्स में मिलता है। तो यार मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहां पर होना चाहिए था। वही ऑडियो की बात करें, इन्फिनिक्स नोट 35G में डुअल स्पीकर का सपोर्ट है, JBL के स्पीकर्स मिलते हैं, डुअल माइक्रोफोन है, 3.5mm जैक में मिलता है। वही रेडमी नोट 13 5G की बात करें, यहां पर आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, डुअल माइक्रोफोन का सपोर्ट है, 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली रेडमी नोट 13 में यहां पर आपको डुअल स्पीकर देना चाहिए था, क्योंकि आजकल 13-14 हज़ार रुपए में आपको डुअल स्पीकर का सपोर्ट मिलता है। वही ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, इन्फिनिक्स नोट 35G XOS 13 के साथ आता है, एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। 1 साल का मेजर एंड्रॉइड, 2 साल के मेजर सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। वही रेडमी नोट 13 5G की बात करें, MIUI 14 के साथ आएगा, एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। इंडिया में आएगा तो मेरे ख्याल से यहां पर 2 साल के आपको एंड्रॉइड और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। वहीं कनेक्टिविटी की बात करें, इनफिनिक्स नोट 35G में डुअल 5G का सपोर्ट है, 14 5G के बैंड्स हैं, डुअल बैंड वाईफाई है, NFC का भी सपोर्ट मिलता है, वाईफाई 5 का सपोर्ट है और ब्लूटूथ का 5.1 का सपोर्ट मिलता है। वहीं रेडमी नोट 13 5G की बात करें, डुअल 5G का सपोर्ट है, फिलहाल इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ तो बैंड्स के बारे में नहीं बता सकता। ब्लूटूथ का 5.3 वर्जन है, वाईफाई 5 है, डुअल बैंड वाईफाई भी मिलता है। वहीं एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इनफिनिक्स नोट 35G में सभी प्रकार के सेंसर, GPS, वर्चुअल रैम, IP53 की रेटिंग, फेस अनलॉक, साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर, वाइब्रेशन मोटर का सपोर्ट मिलता है। वही रेडमी नोट 13 5G की बात करें, सभी प्रकार के सेंसर, GPS, वर्चुअल रैम, IP54 की रेटिंग, साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर, IR ब्लास्टर और फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलता है। बात करते हैं प्राइस की, तो इनफिनिक्स नोट 35G की 4 और 128 की प्राइस लगभग 13,500 रुपए के आसपास ये मिल रहा है फोन। वही रेडमी नोट 13 5G की बात करें, फिलहाल इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ लेकिन ये लगभग आपको 15,000 रुपए के आसपास इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं विनर की, तो डेफिनेटली यहां पर जो विनर है वो है इनफिनिक्स का नोट 35G, क्योंकि यहां पर आपको पहली बार आपको डिजाइन काफी बढ़िया मिलता है। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस है वो लगभग सेम ही देखो मिलती है। कैमरे में भी डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है, यहां पर आपको चार्जिंग में भी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलता है, स्पीकर्स भी डुअल देखने को मिलते हैं और कनेक्टिविटी में NFC का भी सपोर्ट है। तो डेफिनेटली इनफिनिक्स नोट 35G यहां पर भी ना वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं तब से नहीं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।